एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हो? हम लोगों ने धीरे धीरे करते करते एक लेक्चर रोज करते करते आज हमारा 10 लेक्चर लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो और जितना मेरे हिसाब से जितना कॉम्प्लिकेटेड वाला पोर्शन जो था ना, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब जितना है वो ऑलमोस्ट इजी सा है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगा तो आएगा, वरना क्वाइट इजी। अब टर्म थोड़े थोड़े पढ़े हुए होंगे, या अगर मुश्किल भी लगेगा ना तो वो इजी होगा समझने में। ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा पहला सेल ऑर्गेनल है, हेडिंग बड़ा सा डाल लेना सेल ऑर्गेनल। वो जो हमने 3 पढ़ा न्यूक्लियस, और वो जो हमने पढ़ा है लाइक सेल मेम्ब्रेन, और जो हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म, ये सब जो था वो हमारा था सेल का वो 3 मेजर कंपोनेंट, राइट। आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हमारा आज से शुरू होने वाला है सेल ऑर्गेनल के बारे में, है ना। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन अ सेल, और ऑल द सेल ऑर्गेनल आर इम्पोर्टेंट। और हर सेल ऑर्गेनल अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो उसको दिया जाता है, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहा होता है, राइट। यहाँ तक हो गया। तो पहला सेल ऑर्गेनल है हमारा राइबोसोम। चलो, मैंने आप लोगों को जब न्यूक्लियस पढ़ाया था तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा होता है ना। न्यूक्लियस जो होता है वो राइबोसोम को सिंथेसाइज करने में मदद कर रहा होता है। तो ये जवाब आपको देना है कि न्यूक्लियस का कौन सा ऐसा, न्यूक्लियस में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि राइबोसोम के सिंथेसिस में मदद करता है। इसको मुझे आंसर करो, इसको मुझे लाइक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि राइबोसोम का फैक्ट्री हम किसको कहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो जब प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि राइबोसोम जो है वो सिंगल ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि बोथ प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं होता है जो दोनों के दोनों सेल में पाया जाए। अगर ऐसा होगा, अगर यूक्रियोटिक में है तो वो प्रोक्रियोटिक में नहीं, और अगर प्रोक्रियोटिक में है तो वो सेल ऑर्गेनल यूक्रियोटिक में नहीं होगा, कुछ इस तरह से होता है। तो एक और बात मैंने कहा था कि जो प्रोक्रियोट्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने बताया कि राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोक्रियोटिक सेल एज वेल एज यूक्रियोटिक सेल। उसके बाद आपने एक और बात कही कि जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनल, जो प्रोक्रियोटिक सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। तो क्या राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन होता है या नहीं? तो आंसर है इसका कि राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है। राइबोसोम के पास किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर बन रहा होता है। न्यूक्लियर पोर की मदद से ये साइटोप्लाज्म में आता है। ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब कहीं पे भी मिल जाएगा, बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, या तो फिर ये किसी दूसरे, वो क्या है वो मैं भी बताती हूँ, या तो फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच रहता है। क्लियर हो गया? तो मैंने बताया राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेन लेस स्फेरिकल सेल ऑर्गेनल विच हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो चलो जल्दी से लिखो राइबोसोम के बारे में। लिखो, राइबोसोम्स आर टाइनी कॉमा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको अंडरलाइन करो और इसको किसी दूसरे पेन से हाईलाइट कर दो ताकि याद रहे, है ना। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन,
है ना, यहाँ पे पढ़ना है कि इसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। तो चलो लिखो, राइबोसोम्स आर टाइनी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट कहने का मतलब कहीं पे भी, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। या तो ये सेल के अंदर कहीं पे भी इस तरह से फैला हुआ होगा, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, कहीं पर भी, या तो फिर ये इस तरह से, अगर मैं बना रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो इसके सरफेस पे कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह से दो ही जगह दिखेगा, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पे दिखेगा या तो ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। तो मैंने लिखवाया नेक्स्ट पॉइंट दे करके, दे आर फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, दे आर रिच इन आर एन ए एंड प्रोटीन। दे आर रिच इन आर एन ए एंड प्रोटीन, रिच इन आर एन ए, सॉरी, रिच इन आर एन ए, रिच इन आर एन ए एंड प्रोटीन। क्लियर हो गया? अब एक बार देखो, प्रोटीन का जहां जहां पे भी टर्म आएगा ना, प्रोटीन, अगर आरएनए को समझाना है तो मेरी बात सुनोगे, प्रोटीन जहां जहां पे भी आएगा ना सेल में, तो वहां पे आपको आरएनए का भी नाम सुनने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आरएनए एंड देन प्रोटीन, आरएनए एंड देन प्रोटीन, क्लियर हुआ? पहले आरएनए, आरएनए जो होता है उसके बाद फिर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। ये आपको समझ में नहीं आया, मैं इसको एक्सप्लेन करूं अगर, तो ये जब आप एक जेनेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ोगे ना डेप्थ में, तो वहां पे समझ में आएगा, डीएनए, डीएनए से आरएनए एंड देन आरएनए से प्रोटीन। अभी बस समझ लो कि राइबोसोम्स जो होते हैं दैट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। आरएनए एंड प्रोटीन इसलिए कह रहा है क्योंकि आरएनए की मदद से ही प्रोटीन की का सिंथेसिस हो रहा होता है, आरएनए की मदद से ही प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। क्लियर हो रहा है ना? चलो फंक्शन देकर लिखो, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, लिखो फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। पॉइंट नंबर वन, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक ही काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है भाई, प्रोटीन बनाएंगे बिना चूचड़ा किए आराम से, ये प्रोटीन बना रहा होता है और कोई खास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लिखो, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, हेंस दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मैंने अभी क्वेश्चन दिया है कि राइबोसोम फैक्ट्री किसको कहा जाता है वो बताइए, उसके बाद अभी मैं बता रही हूँ कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलो यहाँ तक राइबोसोम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में लिखो, एंड दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये समझना थोड़ा अच्छे से, राइबोसोम तो बहुत ही आसान सा था, अब अगला समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अभी तो एक बार नाम सुने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, कि राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पे अटैच होगा। नाम एक दफा सुन लिए, अब सुनो है क्या। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक कनेक्शन है सेल के अंदर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार का कनेक्शन है। देखो होता क्या है, ये मैंने बनाया सेल, विजिबल है, हाँ, यहाँ मैंने बनाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ एनिमल सेल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा या नहीं? नहीं होगा प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब देखो ये है मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है मेरा सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो भी एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन एक शुरू होता है, स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और ये फिनिश होता है, मतलब इसका जो कनेक्शन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होगा और खत्म होता है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। मतलब एक समझ लो, इट गिव्स पैसेज कि सेल में अगर किसी चीज को मूवमेंट करवाना है, सेल को अगर बाहर से जाना है, एक सही रास्ता दिखाने में मदद कर रहा होता है। इट बिहेव लाइक अ चैनल, चैनल की तरह समझ लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक चैनल की तरह। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने बताया ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और मैंने ऐसा फोटो बनाया डायग्राम कि ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कह रहे हैं, और ये खत्म हुआ कहाँ पे? ये खत्म हो रहा है हमारा सेल मेम्ब्रेन के पास, है ना। तो कुछ इस तरह से चैनल की तरह आपको दिखने में मिलेगा, मेम्ब्रेन होता है, डेफिनेटली मेम्ब्रेन होता है। अच्छा तो अब बताओ, इसमें मेम्ब्रेन होता है तो क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा या नहीं? नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। चलो अब पॉइंट नंबर वन देकर के लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। पॉइंट नंबर वन देकर के लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके साइड में फोटो बना लेना ताकि आपको थोड़ी सी आसानी होगी याद करने में, या जब कभी भी इसको रिवाइज कर रहे होगे ना तो समझने में आसान होगा, ठीक है। लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच रन्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। देख रहे होगे, ये एक सिरे पे पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म का हिस्सा को क्या कर रहा है, वहां पे इट इज पूरे में फैला हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख करके लिखो, इट इज कनेक्टेड। अब एक चीज देखना, मैंने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बताया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है? क्या अंदर वाले मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है या बाहर वाले मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा सिरा इसका कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो लिखो, इट इज कनेक्टेड टू बोथ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। ऐसा फोटो बना लो, ठीक है। लिखो, इट इज कनेक्टेड टू बोथ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। अगर इसके मेम्ब्रेन पे अगर हम बात करें तो इसका मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी मच सिमिलर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रुको, मुझे एक दो चीज और ऐड करवाने दो इस पॉइंट में, ताकि वो परफेक्शन हो जाए आपके नोट्स में।
लिखो, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देकर के लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको लिखो। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इतना बना लिए होंगे। एक पॉइंट देकर के लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ER से लिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स इन थ्री फॉर्म, वन इज, टू एंड थ्री। सो वन इज सिस्टर्नी वेसिकल एंटीब्यूल्स, अब ये सिस्टर्नी वेसिकल एंड ट्यूब्यूल होता क्या है? तो सिस्टर्नी वेसिकल और ट्यूब्यूल को समझने के लिए, ट्यूब्यूल वर्ड इज वेरी मच रिलेटेड विद द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से। ट्यूब्यूल वर्ड इज वेरी मच रिलेटेड विद द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखो एक्चुअली में ये कुछ है नहीं, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन की तरह है। पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की तरह, कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, मतलब ऐसा 3D इमेजिनेशन अगर करोगे, यहाँ से ऐसे आ रहा है और ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर की सरफेस पे, मैं अगर इसका ऐसे इमेज बनाऊ, मतलब ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो उसको हमने ट्यूब्यूल कह दिया। अगर कहीं पे ऐसा बबल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है बिल्कुल ऐसे वेसिकल की तरह, तो उसको हमने वेसाइकल कह दिया। और अगर एक लंबा सा इस तरह से चैनल बना रहा है तो उसको हमने सिस्टर्नी कह दिया। मतलब तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब, अगर लंबे से ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अगर है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उस वाले को हमने कह दिया सिस्टर्नी। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से वर्टिकल पोजीशन की तौर पे है तो उसको हमने ट्यूब्यूल कह दिया, और अगर गोल गोल वेसिकल के फॉर्म में है तो उसको हमने वेसाइकल कह दिया। ये तीनों का तीन स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है वो पढ़ लिया, कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म होता है ये पढ़ लिया। और जब मैं राइबोसोम पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि राइबोसोम कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सरफेस पे अटैच होता है, मैंने ये बात बताया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप। एक तो वो जहां पे राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा वो जहां पे राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं होता है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे लिखो पहले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर इन थ्री फॉर्म, सिस्टर्नी वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज, इसको मिटा रही हूं, वन इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER भी लिखते हैं, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER भी कहते हैं। RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? अब देखो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रही हूं। देखो यहां मैं दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही हूँ, ठीक है,
ये इधर मैं आर ई आर लिख रही हूँ और ये मैं एफ ई आर लिख रही हूँ, राइट। देखो ये है हमारा मेम्ब्रेन, ये भी है हमारा मेम्ब्रेन, दोनों अभी तक बिल्कुल एक प्रकार का स्मूथ स्मूथ सा दिख रहा, बिल्कुल एकदम चिकना चिकना सा, बिल्कुल स्मूथ, एकदम स्मूथ। इसके ऊपर मैंने कुछ राइबोसोम को अटैच कर दिया, अब बताओ कौन ज्यादा स्मूथ लग रहा है, ये वाला या ये वाला? तो कहोगे मैम ये वाला ज्यादा स्मूथ है, ये वाला कम स्मूथ है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं होता है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर वन लिखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिखो इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन रफ एंडो आर ई आर करके लिख लेना, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमा राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेयर एज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर एब्सेंट, वेयर एज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर एब्सेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर। अब काम क्या है, दो तरह का तो हो गया, एक को हमने कहा रफ, एक को हमने कहा स्मूथ। मेरी बात को सुनो, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होगा वो प्रोटीन नहीं बनाएगा बल्कि वो क्या करेगा, स्टेरॉइड लिपिड ये सब चीज को सिंथेसाइज करेगा, लिपिड है कोलेस्ट्रॉल है ये सब चीज को बनाने में मदद करेगा। सो राइट डाउन अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करके लिख लेना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा, लिपिड कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा। यहाँ तक हो गया क्लियर? हम लोगों ने ये पढ़ लिया रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, होप सो आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियस में भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, आरबीसी में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जगह तो वही ले लेगा। अब एक काम करके लिखो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके लिख लो और आज का लेक्चर ओवर कर लो, ठीक है? लिखो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर वन लिखो, दो ही तीन लिखवाऊंगी ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी। पहला फंक्शन तो लिख देना कि वो फ्रेम दे रहा होता, बस दो तीन अपने से लिख लोगे तुम लोग। पॉइंट नंबर वन लिखो इट फॉर्म्स सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, सेल को एक शेप दे रहा होता है, सबसे बड़ी बात है सेल को ये एक शेप दे रहा होता है। तो पॉइंट नंबर वन लिखो इट फॉर्म्स सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल, ठीक है? एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन ये होता है, देखो किसी चीज को न्यूक्लियस से सेल के बाहर जाना है, किसी चीज को न्यूक्लियस से सेल के बाहर जाना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको एक अच्छा रास्ता बता देता है कि इधर के रास्ते से तुम सेल के बाहर चले जाओ, ठीक है? तो लिख दो सेकंड पॉइंट
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER करके लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर. ये दो हो गया फंक्शन. अब तीसरा फंक्शन में ऐसे लिख लेना, फंक्शन है तो एंडोप्लाज्मिक हो, चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, वो है तो एक प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो तीसरा फंक्शन डाल देना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और चौथा फंक्शन डाल देना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड एटसेट्रा. ये कर देना. दिस इज ऑल अबाउट. एक और बात, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद कर रहा होता है. मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कहने का कि मैंने कोई दवा खाया, अब दवा में तो बहुत कुछ होता है, तो अब उसमें से दवा में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जो मुझे नुकसान कर जाए, तो उसके असर को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म कर देता है. तो थर्ड पॉइंट देकर के लिख सकते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन. बस दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. होप सो समझ में आया होगा. और अगर, क्योंकि बहुत आसान सा था, हमने ज्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं, हमने देखा राइबोसोम के बारे में, देखा कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, बस यही देखा, न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बना रहा होता है. उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा कि मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक चैनल की तरह होता है जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक अटैच होता है. दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक वो जिसके ऊपर राइबोसोम होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, और दूसरा वो जिसपे राइबोसोम नहीं होता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद कर रहा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर रहा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड के फॉर्मेशन में मदद कर रहा होता है, सिंथेसिस में मदद कर रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में मदद कर रहा होता है एटसेट्रा. यही तो इतना पढ़ा, दो तीन जो फिगर बनाया, ये वाला एग्जाम में जरूर से बना देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर वो मैंने आउटर मेम्ब्रेन से बाहर तक का मैंने जो ऐसा वाला चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था वो बना देना, नंबर पूरा मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा. चलो मेहनत करो, पढ़ाई करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं. गॉल्जी अपैरेटस और लाइजोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ये दो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, गॉल्जी अपैरेटस एंड लाइजोसोम. चलो मेहनत करो, पढ़ाई करो, टिल देन बाय.